रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात शुरू करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा जी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस की कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन, कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन और बेटा जी टेक्निक्स फॉर केमिकल करेक्टराइजेशन, दो चीजें। अब यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन, इस करेक्टराइजेशन का मतलब बेटा जी क्या है? इस करेक्टराइजेशन का मतलब यह है कि हमने किसी भी केमिकल सैंपल में यह देखना होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हमने करनी होती है। करेक्टराइजेशन का पहला मतलब क्या है बेटा जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके हो गया बेटा जी। जबकि करेक्टराइजेशन का दूसरा मीनिंग क्या है? जो एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी बेटा जी अमाउंट्स को फाइंड करना, डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स की अमाउंट्स को बेटा जी क्या करना? डिटरमिन करना। ओके हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर लें तो वो बन जाएगा कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन। अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इन दोनों को आप कलेक्टिवली एनालिसिस भी बोलते हैं, केमिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है केमिकल करेक्टराइजेशन को केमिकल एनालिसिस भी कहा जा सकता है। तो बेटा जी केमिकल करेक्टराइजेशन का वो वाला स्टेप जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की, आप उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन बेटा जी कौन सा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल करेक्टराइजेशन, तो आपने बिटली आंसर किसका देना है? केमिकल एनालिसिस का ही आंसर देना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल सैंपल एंड डिटरमिनेशन ऑफ देयर अमाउंट्स इज कॉल्ड एज केमिकल करेक्टराइजेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल एनालिसिस। द स्टेप ऑफ केमिकल एनालिसिस और केमिकल करेक्टराइजेशन इन विच वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और बेटा जी ये वाला स्टेप जिसमें आप उनकी अमाउंट्स को फाइंड करते हैं इसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। समझ लगी बेटा जी? तो अब यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें कि राइट स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेटा जी सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने सैंपल को ऑब्टेन करना है। ठीक है, ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल। हम सैंपल लेंगे। स्टेप नंबर 2, सेपरेट द डिजायर कॉम्पोनेंट्स, सेपरेट द डिजायर कॉम्पोनेंट्स। हमने पहले स्टेप में सैंपल को लिया, उसके कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। नंबर 3, मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड। हम मेजरमेंट्स करते हैं उन अमाउंट्स की, उन उसके कंपोनेंट्स के अमाउंट्स की, उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। और 4th स्टेप बेटा जी क्या है? ड्रा
कंक्लूजन लास्ट पे बेटा जी हम बताते हैं कि उन कंपोनेंट्स की अमाउंट्स कितनी हैं। बात की समझ लगी? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी आपसे पूछा जाएगा कि राइट स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट इट्स स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन। तो आप बताएंगे फर्स्ट स्टेप बेटा जी क्या है, आपने सैंपल लिया। स्टेप नंबर टू क्या है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। स्टेप नंबर थ्री क्या है, उन कंपोनेंट्स की अमाउंट्स को मेजर कर लिया। और स्टेप नंबर फोर बेटा जी क्या है, आपने कंक्लूजन रिजल्ट यानी कि जो है वो आपने बता दिया कि इतनी इतनी अमाउंट्स है। बात की समझ लगी ना बेटे, क्लियर है? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज केमिकल कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज केमिकल एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स स्टेप्स। बात की समझ लगी? दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि केमिकल एनालिसिस और केमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब बेटा जी क्या है, सेम है। तो आप बताएंगे कि यहां पर आप बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल एनालिसिस और केमिकल कैरेक्टराइजेशन। ओके, हो गया। फिर आप बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उनकी अमाउंट्स की डिटरमिनेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बात की समझ लगी ना बेटे? अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आप बताएंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस। ठीक है ना, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस की कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन को स्टडी किया जाता है, डील किया जाता है, और कैरेक्टराइजेशन के लिए जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर बहस की जाती है। बात की समझ लगी? और बेटा जी थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां तक सबको क्लियर है? अब हमने देखना है ये वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम बेटा जी क्या करते हैं, केमिकल कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं या करते हैं। तो वो टेक्निक्स बेटा जी देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं ये टेक्निक्स। नंबर वन है फिल्ट्रेशन। कौन सी है बेटा जी? फिल्ट्रेशन। ये चैप्टर नंबर टू का पहला टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद दूसरी टेक्निक बेटा जी क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, हो गया। तीसरी बेटा जी टेक्निक कौन सी है? सब्लिमेशन। कौन सी है? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। चौथी टेक्निक बेटा जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कौन सी है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक, हो गया। और बेटा जी पांचवी टेक्निक और पांचवा टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका प्रैक्टिकल भी है, वो है बेटा जी क्रोमैटोग्राफी। कौन सा है? क्रोमैटोग्राफी। और इसमें हम पेपर क्रोमैटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। बात की समझ लगी? तो ये बेटा जी क्या है, हमारे चैप्टर नंबर टू के कॉन्टेंट्स भी हैं। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये टेक्निक्स है बेटा जी, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमैटोग्राफी। तो आप यहां पे देखें, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस और ये टेक्निक्स इनको डील करने वाले हैं। एनालिसिस में बेटा जी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें आप साल्ट एनालिसिस को प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करेंगे, साल्ट एनालिसिस, उसमें आप देखेंगे कि किसी साल्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। साल्ट एनालिसिस आप देखेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है बेटा जी? इन फिजिकल टेक्निक्स के साथ भी है। बात की समझ लगी ना? तो ओवरऑल इन टेक्निक्स और केमिकल एनालिसिस को कंप्लीटली आप डील करते हैं किसमें बेटा जी? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, हो गया जी। जी तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल टेक्निक है। फिल्ट्रेशन क्या बेटा जी? फिजिकल टेक्निक है जिसमें किसी सॉल्यूशन में मौजूद इन सॉल्युबल पार्टिकल्स को बेटा जी क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है।
कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय ए फिल्टर मीडियम, ठीक है। जैसे बेटा जी चाय है उसके अंदर पत्ती के दाने होते हैं, आप क्या करते हैं उस चाय को एक जाली के ऊपर से गुजारते हैं, तो वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है पत्ती जो है वो कहां पर रह जाएगी? उस जाली के ऊपर, ठीक है, नेट के ऊपर रह जाएगी और चाय फिल्टर होकर नीचे चले जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। कि किसी सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करना। कैसे सेपरेट करना बेटा? बाय ए फिल्टर मीडियम। वो जो जाली है वो क्या है बेटा जी? फिल्टर मीडियम है। इस टेक्निक को आप क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है बेटा जी? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन थ्रू ए फिल्टर मीडियम, ठीक है। एक फिल्टर मीडियम की मदद से किसी सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करना बेटा जी क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब यहां पे फिल्टर मीडियम हम देखते हैं कि फिल्टर मीडियम क्या चीज है, कि व्हाट इज फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम बेटा सरफेस है, वो वाली सरफेस जो सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करती है, आप उस सरफेस को क्या बोलते हैं? फिल्टर मीडियम, ठीक है। द सरफेस विच सेपरेट्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ऐसी सरफेस जो सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बेटा जी क्या करती है? सेपरेट करती है, आप उसे बोलते हैं फिल्टर मीडियम। तो केमिस्ट्री में जो फिल्टर मीडियम बेटा जी यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो सिंपल फिल्टर पेपर हो सकता है, ठीक है जी, सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है। इसी तरह बेटा जी फ्लोटेड फिल्टर पेपर, इसी तरह बेटा जी गूज क्रूसिबल और इसी तरह सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ठीक है बेटा जी। ये सारे के सारे क्या है? फिल्टर मीडियम है। तो हम देखेंगे इनकी मदद से कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, क्लियर है। ये चार बेटा जी क्या है? फिल्टर मीडियम है। ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट ये थे फिल्टर मीडियम। अब हम सबसे पहले देखेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू ए सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्रू ए सिंपल फिल्टर पेपर। एक सिंपल फिल्टर पेपर की मदद से फिल्ट्रेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए बेटा जी जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर है वो मैं यहां पे एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं कि ये हमारे पास बेटा जी क्या है? स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड के ऊपर हम बेटा जी लगाएंगे फनल। ये जो आपके सामने मैंने ऑपरेटर शो किया ये बेटा जी क्या है? ये फनल है। ओके हो गया। इसे क्या बोलते हैं? फनल। इस चीज को आपने याद रखना है, फनल ग्लास की ये होती है। इसे बेटा जी आप क्या बोलते हैं? स्टेम ऑफ फनल। क्या बोलते हैं? स्टेम ऑफ फनल, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टैंड है। अब इस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को जो है वो लगाया गया होता है, ठीक है। सिंपल फिल्टर पेपर को यहां पे लगाया गया, सही हो गया। यहां पे बेटा जी नीचे जो है वो क्या है? बीकर है। ये क्या लगा हुआ है? बीकर।
अब क्या किया जाएगा बेटा जी, सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहां से सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर जो इन सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा जी फिल्टर पेपर के ऊपर ही क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और सॉल्यूशन जो है वो यहां से स्टेम से फिल्टर होके कहां पे आ जाता है बेटा जी, बीकर में आ जाता है। क्लियर है? सिंपल आपने क्या करना है, टेक द सॉल्यूशन, पोर इट ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर, द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर लीविंग बिहाइंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब जब वर्ड आएगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वर्ड बेटा जी लिखा हो रेजिड्यू, वर्ड लिखा हो प्रेसिपिटेट्स, वर्ड लिखा हो इन सॉल्युबल पार्टिकल्स, इन सब का मतलब क्या बेटा जी, सेम ही होगा, इन सॉल्युबल पार्टिकल्स। कि जो इन सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो रेजिड्यू है या जो प्रेसिपिटेट्स हैं, वो कहां पे रह जाएंगे, फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और सॉल्यूशन फिल्टर होके कहां पे आ जाएगा, बीकर में। अब जो फिल्टर शुदा सॉल्यूशन है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिल्ट्रेट, क्या यूज करते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है बेटा जी, फिल्ट्रेट है, फिल्टर शुदा सॉल्यूशन, ओके हो गया। और यहां पे जो इन सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, इन सॉल्युबल पार्टिकल्स, आप इनके लिए बेटा जी कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मैं सारे लिख देता हूं यहां पे। आप इन्हें रेजिड्यू बोल सकते हैं, आप इसे प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा जी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ओके हो गया। वैसे ये चीजें सारी डिफरेंट हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे आपने ये कंसीडर करना है कि इन सब का मतलब क्या है, इन सॉल्युबल पार्टिकल्स। बात की समझ लगी ना बेटा जी? तो अब यहां पे देखें, जब आपने सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करनी है तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है एहतियाती तदाबीर, ठीक है। पहली बेटा जी कहता है कि आपकी ये जो फनल है ये इतने बड़े साइज की होनी चाहिए कि इसका रिम फिल्टर पेपर से 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो अबव होना चाहिए, यानी कि यहां पर फिल्टर पेपर और इस रिम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेटा जी कितना होना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 से 2 सेंटीमीटर रिम जो है वो क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। अबव किसके बेटा जी, फिल्टर पेपर से, ठीक है। ये नहीं है कि फिल्टर पेपर बाहर लटक रहा हो, ओके हो गया। उसके बाद आपने फिल्टर पेपर को ऐसे बेटा जी फिट करना है कि इसका हाफ से 1/4 हिस्सा जो है वो बेटा जी एंड के ऊपर प्रेसिपिटेट से जो है वो कंसंट्रेट हो, क्लियर है। यानी कि 1/2 to 1/4 ऑफ फिल्टर पेपर फिल्ड विद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहला बेटा जी एहतियाती तदाबीर क्या है, द रिम ऑफ फनल शुड बी 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द टॉप सर्कमफेरेंस ऑफ द फिल्टर पेपर, और सेकंड बेटा जी द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ दैट इट मस्ट फिल्ड विद क्रिस्टल्स आर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हाफ आर 1/4। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये आपने दो बातें याद रखनी है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपने बताना है कि स्टेम ऑफ फनल शुड टच साइड ऑफ बीकर, के फनल की जो स्टेम है वो बीकर की दीवार के साथ लगी होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या है, स्प्लैशिंग नहीं होगी, स्मूथली फिल्ट्रेट जो है वो बीकर में आ जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट बेटा जी आपने लिखना है कि स्टेम ऑफ फनल शुड टच साइड ऑफ बीकर। अब इसका पर्पस क्या है बेटा जी, इसका मकसद है टू अवॉइड स्प्लैशिंग। क्या अवॉइड करना चाह रहे हैं बेटा जी, अवॉइड स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है, छींटे पड़ना। अगर आप दरमियान में इस स्टेम को रखेंगे तो छींटे पड़ेंगे, जिससे हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो बीकर से बाहर चला जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। ये वो पॉइंट था कि अगर आप इम्प्रॉपरली फिल्ट्रेशन करेंगे तो एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है, क्लियर है।
तो स्टेम ऑफ फनल शुड टच द साइड ऑफ बेकर इन ऑर्डर टू अवॉइड स्प्लैशिंग, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा, एक्चुअल यील्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जाया नहीं होगी आपकी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा जी? तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि यहां पर फिल्टर पेपर लगाया है, इसकी फोल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फोल्डिंग ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी पूछा जा सकता है कि राइट स्टेप्स फॉर फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की फोल्डिंग के स्टेप्स लिखें। तो मेरे पास बेटा जो लैब में फिल्टर पेपर होता है छोटे साइज का होता है, मैंने एक कागज को गोल सर्कल में काट लिया। आप सपोज कर लेंगे ये फिल्टर पेपर है, तो आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को फर्स्ट फोल्ड करना है अलोंग इट्स डायामीटर। डायामीटर क्या होता है बेटा, सर्कल को अगर दरमियान से आप हाफ कर दें, ठीक है, ये डायामीटर। तो पहला फोल्ड क्या है, अलोंग डायामीटर। तो आप बताएंगे यहां पे फर्स्ट फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर शुड बी अलोंग डायामीटर। फर्स्ट फोल्ड, पहली फोल्डिंग क्या है बेटा जी, अलोंग डायामीटर है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी सेकंड फोल्ड, अब आप इन्हें क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिस। सेकंड फोल्ड शुड बी अलोंग एजिस। जो सेकंड फोल्ड करेंगे वो किसके अलोंग करेंगे बेटा जी, एजिस। तो क्या ये किनारे आपस में मैच कर रहे हैं? Yes, नहीं कर रहे मैच। एक किनारा नीचे है और एक किनारा क्या है, ऊपर है। बात की समझ लगी ना बेटा? तो सेकंड फोल्ड शुड बी अलोंग एजिस एंड इट शुड बी लाइक दैट एजिस डोंट क्वाइट मैच। एजिस जो है वो मैच नहीं कर रहे चाहिए। बात की समझ लगी ना बेटा? तो आप सेकंड पॉइंट लिखें कि सेकंड फोल्ड जो है, सेकंड फोल्ड शुड बी अलोंग एजिस, और बेटा जी एजिस जो है वो मैच नहीं करने चाहिए, डोंट मैच, ठीक है, एक जैसे नहीं होने चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? फर्स्ट फोल्ड अलोंग डायमीटर, सेकंड फोल्ड अलोंग एजिस, एंड एजिस डोंट मैच। अब बेटा जी आपने क्या करना है, ओपन द फिल्टर पेपर इन सच ए वे दैट थ्री फोल्ड थिकनेस अराउंड वन साइड एंड वन फोल्ड थिकनेस अराउंड द साइड। अब आपने इसको ओपन करना है इस तरह कि जो तीन तहे हैं कागज की वो आपको बेटा एक तरफ नजर आ रही है और एक जो है वो एक साइड पे। इस तरह आपने इसको ओपन करना है। बात की समझ लगी? थ्री फोल्ड थिकनेस अराउंड वन साइड एंड वन फोल्ड थिकनेस अराउंड अदर साइड। ओके हो गया। तो ये पॉइंट भी लिखें कि थ्री फोल्ड और बेटा जी वन फोल्ड थिकनेस, ठीक है। आपने इस तरह फिल्टर पेपर को जो है वो ओपन करना है। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मॉइस्ट करना है, बॉटम से हल्का सा गीला करना है, और इसको बेटा जी आप क्या करेंगे, फनल के इस कॉनिकल पोर्शन में फिट कर देंगे। इसको जितना इंसर्ट करेंगे आपका फिल्ट्रेशन उतना स्मूथ होगा। बात की समझ लगी ना बेटे? यहां पर जो अपेक्स एंगल बनेगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन होगा किससे, 60 डिग्री से, ठीक है। यहां पर जो अपेक्स एंगल बनेगा, अपेक्स एंगल वो क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन, ये एमसीक्यू भी बेटा, 60 डिग्री। बात की समझ लगी? फिर देखें, आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग डायामीटर, सेकेंड फोल्ड शुड बी अलोंग एजिस एंड एजिस डोंट क्वाइट मैच। ओके हो गया। नाउ ओपन द फिल्टर पेपर इन सच ए वे दैट थ्री फोर्थ थिकनेस अराउंड वन साइड एंड वन फोर्थ थिकनेस अराउंड अदर साइड, ठीक है। इन दिस वे वी गेट अपेक्स एंगल, और उसकी वैल्यू क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये पॉइंट याद रखना, स्लाइटली ग्रेटर देन है। यहां तक सबको समझ लग गई है बेटा जी? तो ये है जी फ्लूटेड, ये फिल्टर पेपर है। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर की फोल्डिंग भी सुन लें कि इसी सिंपल फिल्टर पेपर को हम रिपीटेडली क्या करते हैं बेटा जी, फोल्ड करते जाते हैं। आप बुक में डायग्राम देखें सब बच्चे, इसको रिपीटेडली फोल्ड करेंगे तो इसमें रेगुलर एलिवेशन और डिप्रेशन बन जाएगी। मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं इसकी, कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर में आपको इस तरह फैन लाइक अरेंजमेंट नजर आएगी। ओके हो गया। ये ऊपर से आपको शो किया है। तो यहां पर बेटा जी जो आपको ये बाहर निकले हुए हिस्से हैं, इन्हें आप बोलेंगे एलिवेशंस। क्या बोलेंगे, एलिवेशंस।
और जो ये बेटा जी अंदर की तरफ हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन बोलेंगे। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है, अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर को रिपीटेडली फोल्ड करें तो क्या होगा बेटा जी, इसमें फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाएगी, इसमें रेगुलर एलिवेशन और डिप्रेशन बन जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि अब फिल्टर पेपर ज्यादा जगहों से क्या कर सकता है? फिल्ट्रेशन कर सकता है। तो फिल्ट्रेशन ज्यादा तेज सिंपल फिल्टर पेपर से होगी या फ्लूटेड फिल्टर पेपर से? फ्लूटेड फिल्टर पेपर से। बात की समझ लगी ना बेटा? तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है उसकी खूबी यह है कि उसमें रेगुलर बेटा जी क्या होती है? एलिवेशन एंड डिप्रेशन होती है। ठीक है, ये बेटा जी मैं किसकी बात कर रहा हूं? फ्लूटेड फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बारे में आप बताएंगे कि इट हैज रेगुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फैन, फैन की तरह, फैन लाइक अरेंजमेंट्स। ठीक है, दूसरा बात बेटा जी इसमें आप बताएंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया वो हाई होता है। इसका मतलब है कि इसके थ्रू जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो भी बेटा जी क्या होगा? वो भी हाई होगा। बात की समझ लगी ना? तो सिंपल फिल्टर पेपर की फोल्डिंग और फ्लूटेड फिल्टर पेपर, आपने ये दोनों जो है वो इकट्ठे लिखने हैं। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो? Yes,